तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं सीएस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम महानदी की सहायक नदियां, नदी परियोजना और बांध को देखेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इसीलिए आपसे छोटा सा विनती है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, है ना। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैप छत्तीसगढ़ का, ये वाला मैप अगर आपको बनाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक, ठीक है, जाके सीख सकते हैं, है ना। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ को है ना चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को कहाँ चलना है, छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में। ठीक है, तो देखिए मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका, देखिए पहले मैं ज़िला को बता देता हूँ कौन कौन सा ज़िला है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, देखिए ये आपका कौन सा ज़िला है, कवर्धा, है ना। और ये वाला आपका राजनांदगांव, ठीक है। और उसके बाद ये बेमेतरा, ये दुर्ग, ये बालोद, ये बलौदा बाज़ार, और ये रायपुर, और ये आपका धमतरी, ये गरियाबंद, ये महासमुंद, ठीक है। तो ये है आपका, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को चलना है आपका धमतरी ज़िला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। धमतरी बांध की दृष्टिकोण से, नदी परियोजना की दृष्टिकोण से, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है ये, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ से सिहावा से निकलती है आपका महानदी, ठीक है, ये सिहावा पर्वत धमतरी में है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। और देखिए पहली बात तो आप याद रखिएगा, जो महानदी है वो कौन कौन सी ज़िलों में बहती है, ठीक है। तो ये महानदी है ना ऐसे करके, ठीक है, कांकेर में प्रवेश करती है, और कांकेर में प्रवेश करती है उसके बाद यहाँ पर एक नदी है दूध नदी, दूध नदी में, मतलब दूध नदी जो है महानदी में आकर मिल जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और दूध नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, दूध नदी आपका कांकेर से निकलती है। कांकेर में एक, देखिए यहाँ पर मलाज कुंड की पहाड़ी है, यहाँ से दूध नदी निकलती है, है ना। और दूध नदी में ही मलाज कुंड जलप्रपात है, ठीक है। दूध नदी जहाँ पर है ना महानदी से मिलती है, वहाँ पर एक जलाशय का निर्माण होता है जिनको बोलते हैं दुधवा जलाशय, ठीक है, देख लीजिएगा आप, ये दुधवा जलाशय, ठीक है। और दुधवा जलाशय में ही है दुधवा बांध, जिसको दुधवा परियोजना भी बोलते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में कहीं आ जाएगा किस नदी पर है, ठीक है, तो ये आप लगाइएगा महानदी में है, ठीक है, दुधवा जलाशय, दुधवा बांध महानदी में है, ठीक है, जलाशय का निर्माण हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद मुड़ जाती है कहाँ पर आपका महानदी, फिर यहाँ पर फिर धमतरी में प्रवेश करती है। धमतरी में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर है आपका, देखिए है ना, रुद्री पिकअप वियर बैराज, ठीक है, याद रखिएगा, रुद्री पिकअप वियर, अब इसको बैराज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है धमतरी ज़िले में है, ठीक है, आगे नीचे में थोड़ा डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये प्रवेश करती है आपका बालोद ज़िला में, ठीक है, बालोद ज़िला से फिर मुड़ जाती है, और यहाँ पर है आपका, देखिए गंगरेल बांध, ठीक है, देख लीजिए गंगरेल बांध कहाँ पर है, जिसको रविशंकर जलाशय भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर है आपका, देखिए है ना, गंगरेल बांध और रविशंकर जलाशय, जिसको रविशंकर जलाशय बोलते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कौन कौन से दोस्तों आपका देखिए, है ना, तो रिपीट कर लेते हैं, तो दुधवा जलाशय, कांकेर, ठीक है, रुद्री पिकअप वियर बैराज, ठीक है, कहाँ है धमतरी, है ना, गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय कहाँ है आपका, धमतरी, ठीक है, देखिए। अब उसके बाद यहाँ से सिलियारी से निकलती है आपका, देखिए मैं फिर लोकेट कर देता हूँ, सिलियारी से निकलती है आपका, देखिए सिलियारी नदी, ठीक है, और सिलियारी नदी आकर मिल जाती है आपका यहाँ पर, वहीं कहाँ पर रुद्री पिकअप है वहाँ पर, ठीक है, महानदी से। और एक बात और कि सिलियारी में ही यहाँ पर देखिए मॉडम सिल्ली बांध है, ठीक है, मॉडम सिल्ली परियोजना, ठीक है, जिसको मुरुम सिल्ली परियोजना या फिर मुरुम सिल्ली बांध ही बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है, ये चारों किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों आपका, है ना, महानदी परियोजना के अंतर्गत आएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है, ओके दोस्तों, समझ गए ना। अब देखिए अब इधर हम लोग चलते हैं पूर्व में, पूर्व में है आपका, देखिए ये वाला ज़िला है आपका गरियाबंद, ठीक है, देखिए मैं लोकेट कर देता हूँ पेन से, ये वाला जो ज़िला है आपका क्या हो गया, आपका गरियाबंद, ठीक है, महासमुंद धमतरी, ठीक है। तो अगर यहाँ देखते हैं दोस्तों आपका सोंडूर नदी, ठीक है, सोंडूर नदी जो है अगर है ना छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोले कहाँ से निकलती है, तो नरियल पानी याद रखिएगा, और उड़ीसा के संदर्भ में कोरापुट उड़ीसा से निकलती है सोंडूर नदी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वही नरियल पानी, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है, जहाँ जहाँ प्रवेश करती है वहाँ वहाँ मैं लोकेट कर दिया हूँ, ठीक है, गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद के बाद आपका धमतरी में प्रवेश करती है, ठीक है, गरियाबंद और धमतरी इनका प्रवाह क्षेत्र है, किनका, सोंडूर नदी का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और जब यहाँ धमतरी में प्रवेश करती है सोंडूर नदी, तो यहाँ
कहाँ पर है आपका सोंडूर परियोजना, ठीक है, सोंडूर बांध, ठीक है, देख लीजिए कहाँ पर है आपका, धमतरी में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, है ना। और फिर यही जो है कहाँ पर, सोंडूर नदी यहाँ से जाके फिर गरियाबंद में यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर क्या है आप जो है कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राजिम है, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर राजिम है। तो राजिम है ना, किन किन नदियों का संगम है, तो ये सोंडूर, ठीक है, पैरी, और उसके बाद ये महानदी यहाँ पर है, गरियाबंद, गरियाबंद में है राजिम, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं हम लोग, पैरी नदी को। पैरी नदी भात्रगढ़ की पहाड़ी से निकलती है ना, और पैरी नदी में ही है यहाँ पर देखिए सिकासार परियोजना, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, सिकासार परियोजना, सिकासार बांध, ठीक है, कहाँ पर है आपका, पैरी नदी में है, किस ज़िले में है आपका, गरियाबंद ज़िले में है, ठीक है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, देख लीजिए मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो ये है आपका, है ना, पैरी नदी, ठीक है, यहाँ पर है आपका, क्या है आपका, राजिम है, ठीक है, राजिम कहाँ पर है आपका, गरियाबंद में, ठीक है, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों तीन नदियों को, चार नदियों को देख लिए, ठीक है। तो आपका पैरी नदी, सोंडूर नदी, ठीक है, सिलियारी नदी, दूध नदी, महानदी, ठीक है, तो इन सबको हम देख लिए, है ना। तो महानदी दोस्तों देखिए, है ना, गरियाबंद में प्रवेश करती है, गरियाबंद में राजिम, ठीक है, राजिम के बाद दोस्तों देखिए ये आरंग, रायपुर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल है, पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो ये आरंग, आरंग भी किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, है ना। चलिए इधर चलते हैं हम लोग, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शिवनाथ नदी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाना बरस की पहाड़ी है, जो पाना बरस है ना, और किस तहसील के अंतर्गत है, अंबागढ़, ठीक है, याद रखिएगा, अंबागढ़, जो अंबागढ़ तहसील है, पाना बरस पहाड़ी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये आप दनकारा पठार के अंतर्गत आता है, जो भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं ना उसी के अंतर्गत दनकारा पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकलती है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी में जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी में ही है यहाँ पर आपका देखिए मोंगरा बैराज परियोजना, कहाँ पर है आपका, राजनांदगांव में है, किस नदी पर है आपका, शिवनाथ नदी में, ठीक है। उसके बाद ये दुर्ग में प्रवेश करती है, दुर्ग में प्रवेश करने के बाद देखिए ये है ना, ये बेमेतरा, बेमेतरा के बाद आपका बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार के बाद आपका मुंगेली, ठीक है, मुंगेली के बाद देखिए यहाँ पर एक जगह है मानिक चौरा, ठीक है, बलौदा बाज़ार और बिलासपुर के बॉर्डर में है आपका मानिक चौरा, बहुत सारे बुक में इसको बलौदा बाज़ार लिया, ठीक है। तो मानिक चौरा में दोस्तों जो अरपा नदी है अपना जल जो है शिवनाथ नदी में गिरा देती है, ठीक है। तो अरपा नदी का उद्गम स्थल देख लीजिए दोस्तों, ये आपका GPM है, गौरेला पिंडरा मरवाही, ठीक है, यहाँ से आपका जो है अरपा नदी का उद्गम होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बहते हुए दोस्तों ये आपका है ना GPM, फिर आपका बिलासपुर, बिलासपुर से फिर आपका है ना देखिए यहाँ पर बलौदा बाज़ार, ठीक है। तो मानिक चौरा के पास ये अपना जल गिरा देती है, ठीक है, कौन, अरपा नदी, ठीक है। और यहाँ पर है आपका रतनपुर के पास है ना, क्या, खूंटाघाट, खूंटाघाट जलाशय से दोस्तों आपका खूंटाघाट, खारंग नदी का उद्गम होती है, और यहाँ पर फरद्दा एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर ये अपना जल है ना अरपा नदी में मिला देती है, ठीक है, याद रखिएगा। और खूंटाघाट को संजय गांधी परियोजना भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है, बिलासपुर में है, रतनपुर में, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए अगला देखते हैं, तो ये जो है शिवनाथ नदी, ठीक है, शिवनाथ नदी उसके बाद कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों आपका, याद रखिएगा, जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो जांजगीर चांपा में एक जगह है शिवरी नारायण, यहाँ पर महानदी से मिल जाती है, ठीक है, अपना जल जो है महानदी में गिरा देती है, ठीक है। तो महानदी में तीन नदियों का संगम है, यहीं पर तो हम लोग आए थे, ठीक है, कौन कौन से नदी, शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी, तीनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। शिवरी नारायण में तीन नदियों का संगम है, ठीक है, कौन कौन से, फिर रिपीट कीजिए, ठीक है, तो शिवनाथ, महानदी और जोंक, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका जोंक है ना, तो जोंक नदी अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इनका उद्गम देखें तो पिथौरा है, ठीक है, ओके पिथौरा, ओके 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 मिनट ना, पिथौरा है। और अगर हम उड़ीसा के संदर्भ में बोले तो सोनबेरा पहाड़ी उड़ीसा, ठीक है, दो है इसका, आप देख लीजिएगा, ठीक है, जनरली पिथौरा लेते हैं, ठीक है, तो पिथौरा से इनका उद्गम है। और अगर हम इनका प्रवाह क्षेत्र बोलें, ठीक है, जोंक नदी का, तो ये आपका महासमुंद, महासमुंद के पिथौरा से निकलती है, और उसके बाद ये बलौदा बाज़ार में प्रवेश करती है, बलौदा बाज़ार के बाद ये जांजगीर चांपा में प्रवेश करती है, और उसके बाद शिवरी नारायण में, ठीक है, शिवरी नारायण में अपना जल महानदी में गिरा देती है, ठीक है। तो महानदी में, ठीक है, शिवरी नारायण में तीन नदियों का संगम है, फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, शिवनाथ नदी, महानदी और उसके बाद जोंक नदी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगला देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर है आपका रदन की पहाड़ी से निकलती है लात नदी, ठीक है,
लात नदी का अगर हम प्रवाह क्षेत्र बात करें दोस्तों, तो ये आपका महासमुंद, ठीक है, और ये आपका रायगढ़, ठीक है, ये रायगढ़ है ना, देखिए ये वाला आपका रायगढ़ है, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ज़िला मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए, ये आपका रायगढ़ है, ठीक है, और ये आपका कोरबा, ये जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर, ये गौरेला पिंडरा मरवाही, और ये आपका मुंगेली ज़िला, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका लात नदी, ओके मैं जूम कर देता हूँ, ओके ओके ओके, तो ये है आपका लात नदी, ठीक है। तो लात नदी के बाद हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, तो ऊपर में है आपका मांड नदी, ठीक है। मांड नदी का उद्गम क्षेत्र है मैन पार्ट, है ना, तो मैं बता देता हूँ, ये सरगुजा ज़िला है, ठीक है, ये सरगुजा, ये जसपुर, और ऊपर का बलरामपुर, ठीक है, और ये वाला आपका सूरजपुर, कौन सा, ये सूरजपुर, ये आपका कोरिया, ठीक है। तो एक बार मैप बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान है और आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए मैन पार्ट से आपका मांड नदी का उद्गम होता है, ठीक है, मैन पार्ट, उसके बाद मैन पार्ट से मांड नदी, मांड नदी फिर यहाँ से आपका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो आपका ये जसपुर, जसपुर के बाद ये आपका रायगढ़ में प्रवेश करती है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा सरभंजा जलप्रपात सरगुजा में है, ठीक है, मांड नदी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर सरभंजा जलप्रपात का निर्माण करती है और उसके बाद ये क्या है आपका रायगढ़ में प्रवेश करती है, ठीक है। रायगढ़ में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक क्षेत्र है, देखिए यहाँ रायगढ़ में ही मांड परियोजना है, ठीक है, तो मांड नदी पर है, कहाँ पर, मांड नदी पर है मांड परियोजना, कहाँ पर है, तो आपका ये रायगढ़ में है, ठीक है, तो यहाँ पर मांड परियोजना है मांड नदी पर, ठीक है, और है ना, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये यहाँ से उसके बाद जांजगीर चांपा में प्रवेश करती है, जांजगीर चांपा में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक क्षेत्र है, ठीक है, रायगढ़ और जांजगीर चांपा के बॉर्डर में ही है ये, अगर हम बुक की बात करें दोस्तों तो जांजगीर चांपा में ही लिया गया है चंद्रपुर को, ठीक है, तो चंद्रपुर एक जगह है जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो यहाँ पर है ना लात नदी, मांड नदी, है ना, और उसके बाद महानदी, तीन नदियों का संगम है चंद्रपुर में, ठीक है, है ना, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं लोकेट कर दिया हूँ, देखिए यहाँ पर है आपका, क्या है आपका, चंद्रपुर है, ठीक है, मांड नदी, लात नदी, और उसके बाद महानदी, ठीक है। और उसके बाद ये रायगढ़ में प्रवेश करती है, रायगढ़ में प्रवेश करने के बाद महानदी उड़ीसा में जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और इसको भी देख लीजिएगा आप, देखिए पंडर पार्ट है ना, पंडरा पार्ट में है आपका खुर्जा पहाड़ी, और खुर्जा पहाड़ी के अंतर्गत है आपका रानी झूला, ठीक है, यहाँ से निकलती है आपका ईब नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ईब नदी, ठीक है, ठीक है। तो ईब नदी का अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो देखिए ये आपका है आपका जसपुर, जसपुर के बाद ये आपका है आपका क्या है सरगुजा, ठीक है, सरगुजा के बाद देखिए ये दो ही जिला है प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से, जसपुर और आपका सरगुजा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ईब नदी का प्रवाह क्षेत्र ईब, ठीक है। और उसके बाद ये बाहर है ना उड़ीसा में आ जाती है, उड़ीसा में आने के बाद दोस्तों ये हीराकुंड से पहले अपना जल जो है महानदी में गिरा देती है, ठीक है, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा जो भी फैक्ट है, ठीक है, बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है दोस्तों ये वाला जो मैप, ठीक है, इसीलिए आप शेयर जरूर किया कीजिए, है ना। चलिए यहाँ से अब उसके बाद है आपका केलो परियोजना, केलो परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इनका एक और अन्य नाम है, आप कमेंट्स करके बताइएगा केलो परियोजना का एक और अन्य नाम है, ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो लुड़ेक की पहाड़ी है ना, लुड़ेक की पहाड़ी से निकलती है आपका केलो नदी, ठीक है, तो केलो नदी में है ना, केलो नदी का प्रवाह क्षेत्र एक ही है, ठीक है, रायगढ़, याद रखिएगा, यहाँ पर है आपका देखिए केलो परियोजना, और उसके बाद ये बाहर आ जाती है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा के बाद ये, ठीक है, ईब नदी से थोड़ा आगे अपना जल जो है महानदी में गिरा देती है, ठीक है, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, देख लीजिएगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, मैप के थ्रू भी बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग आपका हसदेव नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए है ना कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो जो हसदेव नदी है, हसदेव नदी कैमूर देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, कैमूर देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है आपका कोरिया ज़िले में है, ठीक है, कोरिया ज़िले में बहते हुए दोस्तों ये प्रवेश करती है आपका कोरबा में, ठीक है, तो उससे पहले ये दो तीन, ठीक है, यहाँ पर देखिए गावरघाट जलप्रपात है, किस नदी पर है, हसदेव नदी पर है, अमृत धारा जलप्रपात है, किस नदी पर है, है ना, तो आपका हसदेव नदी पर ही है, कौन से ज़िले, तो कोरिया, ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कोरबा में प्रवेश करती है, कोरबा में प्रवेश करते ही यहाँ पर हसदेव बांगो परियोजना है, ठीक है, तो हसदेव बांगो परियोजना किस नदी पर है, इसको इनका भी एक अन्य नाम है मिनी माता परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, किस नदी पर है, हसदेव नदी पर है, कौन से ज़िले में है, कोरबा ज़िले में है, ठीक है। तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए तो ये थोड़ा कठिन होगा, और जो लोग कोचिंग कर लिए हैं, मास्टर बन गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही सरल है, ठीक है, तो आप भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए
ये दोस्तों देखें, उसके बाद ये प्रवेश करती है आपका जांजगीर चांपा में, हलदेव नदी। और जांजगीर चांपा में एक जगह है सिल्ला देवी, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, सिल्ला देवी चंद्रपुर के आगे, ठीक है याद रखिएगा, है ना, चंद्रपुर के सॉरी चंद्रपुर के पीछे और सिवरी नारायण के थोड़ा सा आगे सिल्ला देवी एक जगह है, वहाँ ये अपना जल महानदी में गिरा देती है, ठीक है, कौन, हलदेव नदी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा, सिल्ला देवी, चंद्रपुर, ठीक है, सिवरी नारायण, ठीक है, तो पता हो गया ना, ठीक है। तो चंद्रपुर किन किन नदियों का संगम है, तो आप याद रखिएगा, मांड, ठीक है, लात और आपका महानदी, तीन नदियों का संगम है, मांड, लात, महानदी, ठीक है। सिवरी नारायण किन नदियों का संगम है, तो सिवरी नारायण आपका शिवनाथ हो गया, ठीक है, शिवनाथ, महानदी और जोग, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद ये आपका है आपका राजिम, ठीक है, राजिम किन नदियों का संगम है, पैरी, सोंडूर और महानदी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया क्या, ओके, और कोई बच्चा है क्या, नहीं बचा है ना, ओके दोस्त, हो गया, ठीक है, रदन की पहाड़ी, ओके, लात नदी, रदन की पहाड़ी, ओके ओके दोस्तों, थोड़ा विवरण देख लेते हैं, कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मोडम सिल्ली या मुरम सिल्ली बांध, ठीक है, किस जिले में है, धमतरी जिले में है, किस नदी पर है, सिलियारी नदी पर है, ठीक है। निर्माण की बात करें दोस्तों आपका 1923, और याद रखिएगा कि एशिया का ये प्रथम साइफन बांध है, ठीक है, और इनका जो निर्माण हुआ है वो पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर हुआ है, ठीक है, इतना फेक आप याद रखिए। इनके संबंध में दुधवा जलाशय है कहाँ पर, कांकेर जिला में है, ठीक है, किस नदी पर है, तो महानदी में है। निर्माण की बात करें तो 1962-63, ठीक है, और ये स्वतंत्रता पश्चात निर्मित राज्य का प्रथम बांध है, ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ये बस्तर क्षेत्र का सबसे ऊँचा बांध है, ठीक है, इतना फेक्ट आप याद रखिएगा। दुधवा जलाशय है ना, दुधवा जलाशय है कहाँ पर, ये आपका कांकेर जिला में है, ठीक है, ओके, ये तो हो गया था, डबल डबल रिपीट हो गया, ये माफ़ करिएगा। और उसके बाद देखिए, है ना, रुद्री पिकअप वियर है कहाँ पर आपका, है ना, धमतरी जिला में, किस नदी पर, महानदी पर, ठीक है। निर्माण 1915, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है, ठीक है। अगला है आपका गंगरेल बांध, रविशंकर जलाशय, तो आप देख लीजिए, है ना, जो भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक मिनट, एक और है दोस्तों, देखिए ये जो है आपका चारों जो है ना, तो ये महानदी परियोजना के अंतर्गत आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, जो है ना, जो इम्पोर्टेंट है ये बांध, ठीक है, तो ये सब महानदी परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक।